हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज कमिंग आउट ऑफ अ हाउस हॉस पाइप ऑफ रेडियस ए विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड वी एंड इट हिट्स अ मैस। 50% ऑफ द लिक्विड पासेस थ्रू द मैस अनइफेक्टेड, 25% लूजेस ऑल इट्स मोमेंटम, 25% कम्स टू बैक विद द सेम स्पीड, द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मैस। सो बच्चों, अगर हम माने ये हमारा मैस है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से लिक्विड इस पर फॉल कर रहा है। और बच्चों ऐसा बोला गया है कि जो एब्जॉर्ब हो गया वो 25% एब्जॉर्ब हो गया, मतलब इस तरीके से फाइनली एब्जॉर्ब हो गया 25% एंड 25% वापस चला गया और 50% निकल गया एज इट इज। तो इस तरीके से 25% हमारा रिफ्लेक्ट बैक कर गया और 25% एब्जॉर्ब हो गया, 50% निकल गया एज इट इज, अगर 100% ही गिरा तो उसमें से। सो बच्चों यहाँ पर अगर हम बोलें कि जो भी लिक्विड आ रहा है डेंसिटी का, हम मान लेते हैं उसमें मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब P बाई टी का जो टर्म है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम का जो टर्म है वो कितना है, ये निकालने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, एंड मोमेंटम पर यूनिट टाइम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड मास को कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पीड अपॉन टाइम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमको एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया इनटू थिकनेस। तो इसको एरिया इनटू थिकनेस या लेंथ को एल ले लेते हैं इनटू वी बाय टी। सो बच्चों हम एरिया को तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम सर्कुलर ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, और एल बाय टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वापस से वेलोसिटी बनेगा, तो इसको हम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, वी इंटू वी वी स्क्वायर। यानी कि बच्चों मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो इस बीम में है या इस लिक्विड में है, तो हम लिख सकते हैं उसको रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। तो हमको मोमेंटम पर यूनिट टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ से पता चल चुका है, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें बच्चों प्रेशर की, तो प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों फोर्स की अगर हम बात करें, तो फोर्स कौन कौन सा लगेगा, एक तो फोर्स एब्जॉर्प्शन के कारण लगेगा, क्योंकि फ्लूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, और एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक रिफ्लेक्शन के कारण लगेगा फोर्स। वेक्टोरियली बच्चों हम इन दोनों को एड कर देंगे, डिवाइडेड बाई एरिया। अब बच्चों एब्जॉर्प्शन के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो एब्जॉर्प्शन के कारण चेंज इन मोमेंटम समझते हैं बच्चों। इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम P by T हमने माना, एंड फाइनल मोमेंटम बच्चों जीरो हो गया, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया। फाइनल मोमेंटम पर यूनिट टाइम हम कितना ले सकते हैं, जीरो। तो एब्जॉर्प्शन के कारण जो चेंज आया बच्चों, उसका चेंज का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा P by डेल्टा T का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन के कारण अगर हम बात करें, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों P by T सिंपली, और P by T हम निकाल चुके हैं रो पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर। So, ये हम निकाल चुके हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन के कारण, और इसको हमको डिवाइड करना है एरिया से, तो ये फोर्स आ जाएगा एब्जॉर्प्शन के कारण, मतलब प्रेशर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन के कारण, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया डेट इज पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों रो वी स्क्वायर सिंपली। सिमिलरली बच्चों हम प्रेशर निकालते रिफ्लेक्शन के कारण, तो रिफ्लेक्शन के कारण हम एफ रिफ्लेक्शन अपॉन एरिया करते। अब रिफ्लेक्शन के कारण बच्चों मोमेंटम में चेंज कितना होता, हम पी बाई टी गिरा मोमेंटम पर यूनिट टाइम और पी बाई टी रिफ्लेक्ट कर गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों ऐड होती हैं चीजें। अगर हम चेंज की बात करें, क्योंकि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो इसका नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, तो वो प्लस हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्टली 2p by t अपॉन एरिया लिख सकते हैं। और मोमेंटम पर यूनिट टाइम हम निकाल चुके हैं 2, ये आया रो पाई आर स्क्वायर वी स्क्वायर, अपॉन एरिया से डिवाइड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। सो ये कट गया बच्चों, तो ये 2 रो वी स्क्वायर हो गया बच्चों, सो 2 रो वी स्क्वायर एंड रो वी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर उसने दे रखा है कि ये 25% ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे 1/4 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का भी तो रोल आएगा बच्चों, तो 25% और यहाँ पे भी 25%, डेट इज 1/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये हो गया रो वी स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया रो वी स्क्वायर बाय 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा रो वी स्क्वायर बाय 4 प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 बना बच्चों, रो वी स्क्वायर बाय 4 प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 रो वी स्क्वायर बाय 4, विच इज गिवन इन ऑप्शन सेकंड। सो ऑप्शन सेकंड बच्चों करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।